नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनील रावत और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुनील रावत 14 ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, एक बार आपको फिर से लाया हूं मैं रामलीला मंच का अभ्यास दिखाने के लिए। और आपको आज मैं यहां दिखाता हूं कि यहां बहुत सारे हमारे जितने भी पात्र हैं वो एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दे रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको ले चलता हूं अभ्यास की तरफ। बस यूं ही बने रहिए मेरे YouTube चैनल सुनील रावत 14 ब्लॉग्स में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रामलीला की तैयारी चल रही है बड़े जोरों शोरों से। और ये तलवार और पूरा सिंहासन बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। और आपको मिलाता हूँ मैं वैभव से। हेलो वैभव। हेलो। तो कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है इस बार। तो इस बार क्या न्यू किया आपने? इस टाइम न्यू तो मतलब जैसी परंपरा चली आ रही है वैसे ही होगी रामलीला। तो कुछ सीन नए ऐड हुए हैं, जैसे रावण का कैलाश उठाना, वो उसी से रामलीला इस टाइम स्टार्ट होने वाली है। और तो थोड़ा हमने सिंहासन में थोड़ा चेंज करा है, उसका पूरा हमने सेट किया, नोट्स बनाए हैं कुछ, उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। जैसे सूर्य वंश का सीन होगा तो सूर्य वंश का लगाएंगे, और जैसे रावण का होगा तो रावण वाला लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस बार काफ़ी चेंजेस हमारे मंच के जितने भी प्रॉप हैं उसमें आए हैं और बहुत ही मेहनत से लगे हैं। हमारी पौड़ी की रामलीला 124वें मंचन में पहुंचने जा रही है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। सीता, सुपर्णखा, केकई और सुलोचना का पार्श्व गायन कर रही हूं। कैसा लग रहा है आपको इस बार रामलीला मंच में? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। 13 अगस्त से यहाँ से रिहर्सल शुरू हो गई थी और अभी अक्टूबर आने वाला है, तो 3 अक्टूबर से हमारी पौड़ी का मंचन शुरू होने जा रहा है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद।
मेरा नाम सोनिका डिमरी गैरोला। अच्छा, आपको कितने साल हुए हैं अभी रामलीला मंच में? मुझे 8 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आप इस बार किस किस के पार्श्व गायन कर रही हैं? मैं सबरी का और तारा का। अच्छा, दो इस बार पार्श्व गायन कर रही हैं। और कैसा लग रहा है इस बार रामलीला मंच के अभ्यास में? बहुत अच्छा लग रहा है, इस मंच से हमको भी नाम मिला है, धन्यवाद। और कितना टाइम हुआ अभी आपको रामलीला में जुड़े हुए? मुझे, मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ, 5 साल हो गए हैं मुझे। और बहुत ही अच्छा रोल खेलती हैं। धन्यवाद। शुभ नाम? कविता मंगाई। और कितने साल हुए आपको रामलीला मंच में? मेरे को हो गया 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। और इस बार 124वीं रामलीला मंच में आप किस किस के पार्श्व गायन गा रहे हैं? मैं यहाँ पे मंत्रा के और कौशल्या के, बाकी कोरस वगैरह हैं उनमें भी है पार्श्व गायन का। ठीक है, धन्यवाद आपका। Oh,
रामला मंच में गौरा देवी का रोल निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं हिमांशु चौहान, सह निर्देशक रामलीला मंचन 2024। और जैसा कि इस बार हम 124वीं रामलीला मंचन यहाँ पर मंचन करने जा रहे हैं, हमारा प्रयास है कि इसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि जो पौड़ी की यह ऐतिहासिक धरोहर है, ये जनता के सामने और सोशल मीडिया के सामने बेहतरीन अभिनय, बेहतरीन गायन, नए अभिनव प्रयोग एवं उच्च स्तरीय गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा है। तो इस बार भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम मंचन को सफल बनाएंगे और इस बार का मंचन निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से माना जाएगा। धन्यवाद भैया।
तो दोस्तों पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला से ऐसे ही रामलीला के अभ्यास आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।